जय माता दी। लुधियाना सबसे ज्यादा ज्योतिषी आजकल पंजाब में पता कहाँ पैदा हो रहे हैं? लुधियाना में। तालियां हो जाए तालियां। पर सुनना भी आराम से है। जय माता दी। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक जैस्मिन जी, वैसे जैस्मिन जो है मैं मंडी का हूं, हिमाचल प्रदेश का, तो उसके पिताजी हमारे मंडी के दामाद हैं और ये लड़की वहां से, तो ये हमारी भांजी लगी। अनुरोध किया कि आप आना है, मैं आ गया। जैस्मिन जी, इनके पिताजी, इनके मामा सरदार कृपाल सिंह जी, सोलन में बहुत बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है ग्रीन हिल, और ज्योतिष के हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के वेदों के ज्योतिष के धर्म की शान आदरणीय अनिल बत्स जी, डॉक्टर एच एस रावत जी, मेरे भाई हिमाचल के, हिमाचल की शान, जब कभी उनको देखते थे जवानी में हम लोग, तो हिमाचल के निर्माता चाहे डॉक्टर वाई एस परमार रहे या फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, मदन लाल स्पाटून के साथ बड़ी यंग अवस्था में टाई लगा करके नजर आते थे। भाई डॉक्टर ओझा जी, हमारे आदरणीय संत अवधेशानंद जी, महन जी, मधुर जी, पंत जी, पता नहीं कहां गए, ललित पंत जी, जय हो। स्वामी भवानी भवानी जी से शायद मैं पता नहीं पहले कब मिला, मुझे याद नहीं, आज मैं मिला हूं, और वो फौजी आदमी है। अब और चोला मैं तथा पंजाब के भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान विदुषियां बच्चे जिनमें कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं। वाह, और जितने विद्वान हैं सारे, और मैं कुछ लोगों से ज्योतिष में जो आधुनिक ज्योतिषी हैं मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूं। आप ये मत सोचना कि मैंने किसी के वक्तव्य को सुना नहीं, मैं बैठा था वहां पर, इसलिए बैठा था, जो लोग मिल नहीं पा रहे हैं आदरणीय हैं संत महात्मा हैं उनका मुझे आशीर्वाद मिले। तो नष्ट जातक उनकी जन्मपत्र यंत्र मैंने उतरा करके जो मेरे से हुआ, ये संतुष्ट है नहीं है वो ये जाने, तो बनाई। लेकिन कुछ जो आजकल जो नए लोग हैं उनके बारे में मैं बता दूं। पंजाबी में एक कहावत है, ज्योतिषी नवा ते वैद पुराना। आप बात समझे या नहीं समझे? ज्योतिषी नवा ते वैद पुराना। वैद्य जो है चाहे नाड़ी वैद्य हो चाहे कोई वैद्य हो, उसका तजर्बा बहुत ज्यादा होता है, लंबा होता है, और ज्योतिषी जो यंग होता है, जो साधक होता है, जो साधना में लीन होता है, जो पढ़ता रहता है, उसको ज्यादा ज्ञान आता है। हम लोग तो बोलते थे हाँ वो ग्रह वहाँ वहाँ, आदि जनपत्री देखते नहीं, ऐसे ही पहले प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं। नए बच्चे कहीं सोचते हैं, घर में जाते हैं और करते हैं।
तो जब मैंने देखा, विचार किया, तो आज भारतवर्ष में ज्योतिषियों की एक क्रांति आई है और वेदों की ये दिव्या शक्ति है उसकी क्रांति आई है। ज्योतिष कुछ लोगों में टीवी में आपस में बातचीत परामर्श करके बहस करके भी ज्योतिष को आगे फैलाया है, लेकिन जैसे ज्योतिष है और इसके बारे में आज मैंने सुना, मेरे ख्याल महाराज जी फरीदाबाद से आए कहें, उनका मैंने प्रवचन पूरा सुना। हमारे विश्वरूप जी भी हैं, उनका है अंक ज्योतिष में, अश्विनी गौतम जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आशु मल्होत्रा वगैरह, मेरे ख्याल कुछ आए, कुछ लाल किताब में भी है। आदरणीय अनिल भट्ट ने बात की वैदिक ज्योतिष की, और वशिष्ठ जी सोनीपत से आए, उन्होंने वैदिक ज्योतिष की बात की। आदरणीय रावत जी ने वो चीज मुझे आज बताई, मैं उनको धन्यवाद दे रहा था। ये रत्न क्या है भाई? भगवान जी के जो मुकुट होते उनमें भी रत्न होते थे। मैंने इनको बोला आप एक चीज भूल गए बताना, हिस्ट्री ऑफ महाराजा पटियाला की देखिए आप, शीशे की सुराही में एमराल्ड, क्या बोलते हैं उसको, पन्ना, 100-100, 200-200 पन्ने शीशे की सुराही में डाले जाते थे और उसमें मदिरा डाली जाती थी और उसका वो सेवन करते थे। यार मदिरा से पन्ने की क्या चीज है? आज हम बुध को बोलते हैं, बुध नपुंसक ग्रह है। आप ज्योतिषियों को तब माने हम कि साइंस के ढंग से आप सिद्ध करके दे कि बुध नपुंसक क्यों है, क्यों उसको नपुंसक कहता है, कहते हैं। और जब वो मीन राशि में दिया गया है नीच का, तो मीन राशि में वो नीच क्यों होगा? आज हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे ये प्रश्न भी पूछती हैं। तो जब मैंने एक शब्द सुना आज कि ज्योतिषी कैसा चाहिए, वैद्य कैसा चाहिए, राजा कैसा चाहिए, इनके कुछ गुण है, महात्मा कैसा चाहिए, अगर हम अपने पैसे से अपने पैसे की इज्जत नहीं करते हम कामयाब नहीं हो सकते। एक कुक है वो अपनी विद्या में परिपूर्ण होना चाहिए, एक दर्जी है वो परिपूर्ण होना चाहिए, एक नाई है वो ब्यूटी पार्लर या कुछ करता है उसमें प्रवीण होना चाहिए, ज्योतिषी को भी प्रवीण होना चाहिए। ज्योतिष साधना का विषय है। ज्योतिष साधना का विषय है, मेडिकल साइंस जो है तो प्रैक्टिकल का विषय है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही इसकी बात भी होगी, ज्योतिष की प्रैक्टिस क्या है। अब आज वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, अश्विनी जी इधर बैठे होंगे या नहीं, अश्विनी जी साथ थे, उन्होंने बोला आप कैसे बताते हैं कि आज से जलपत्री बन जाएगी। मैं आपको एक स्क्रिप्ट बता रहा हूं, असलियत बता रहा हूं, छुपा नहीं रहा हूं। किसी ने बोला मैं 7 वर्ष से ज्योतिष कर रहा हूं, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूं, अहंकार है, अभिमान है, मैं स्वाभिमान से कह रहा हूं, स्वाभिमान से कह रहा हूं कि मैंने 1969 में ज्योतिष स्टार्ट किया, नंबर 1 वाला। ये ज्योतिष मैंने पढ़ा कम, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से ज्यादा आया, या हमारे गांव में सारे ज्योतिषी थे उनके संस्कारों के, या उनके खून के अंश में मुझे भी मिला होगा। मैं हमेशा कहता हूं प्रोग्राम में, इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। आप 100 किताबें पढ़ लो,
एक गधे के ऊपर आप चारों वेद रख दो, उसको तिलक लगा दो, लाल कपड़ा ढका दो, क्या वो गधा पंडित बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो आप पुस्तकें पढ़ें, उनका मनन करें, एक तरफ से नहीं। ज्योतिष में आज नुकसान जो हुआ है वो हमारे साहित्य के द्वारा भी हुआ है। आज क्या बोलते हैं उसको, नए नए बुक सेलरों ने, नए नए पब्लिशर ने जो नोटबुक ज्योतिष चलाए हुए हैं, छोटे छोटे किताबें, इन्होंने भी हमारे ज्योतिष को आज बुलाया है। ज्योतिष आयुर्वेद दोनों सक्के भाई बहन, और आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल साइंस में आप बताइए। हाँ, मैं एक निवेदन करूंगा, मैं भूल गया, मेरे भाई अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार, मैं इनके साथ रहा हूं, मैं इनको पंजाब का पराशर कहता हूं आज भी। और अक्षय कुमार वो बंदा है जिसने लोगों को जोड़ा, आज इसको तोड़ भी देंगे कोई नहीं टूटेगा। तो मैं, आप सब ज्योतिषी हैं, सब विद्वान हैं, भारतीय ज्योतिष में मेडिकल साइंस की पहली पुस्तक किसने लिखी है मुझे बताइए? ये जो आकर पॉकेट बुक्स चले, इन्होंने ज्योतिष की बर्बादी की है। एक एक लेखक ने 100 किताबों को तोड़ मोड़ करके लिखा है, उससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। यस्या नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्या करोति किम लोचना विहां विनस्य दर्पणम किम करसि। जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास साधना नहीं है, जो पढ़ता नहीं है, गुरुजी से सीखा, गुरुजी आप मुझे इतने योग्य बना, भाई वो तो आशीर्वाद दे रहा है, उसकी वजह से आप रोजी रोटी खा रहे हैं, और बाद में बोलते हैं या फोटो ले लिया अपने ऑफिस में लगा दिया। दिल्ली में एक महिला ज्योतिषी को जब मैंने देखा तो उसका ऑफिस इतना बड़ा और उसमें मेरा भी फोटो, फलाना भी फोटो, फलाना भी फोटो। तो वो तो मैंने लिखा शर्मा से, मैंने रावत जी से, अनिल भट्ट से, देखो देखो मेरे साथ है, फोटो है इधर, ये सबको देखा है। नक्षत्र 27 नक्षत्रों के नाम का पता नहीं, तिथियां तो छोड़ो, नंदा कौन है, पूर्णा कौन है, रिक्ता कौन है, वो तो बात ही नहीं, नक्षत्रों का कोई पता नहीं। और ज्योतिष कंप्यूटर में दे दिया, इधर कंप्यूटर है, उधर क्लाइंट बैठा हुआ है, हाँ जी मेख राशि है, स्वामी मंगल है, आप ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। मैं मानता हूं एक ज्योतिषी को, एक ज्योतिषी सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक होता है, मनोविज्ञान और ज्योतिष अधूरे नहीं चल सकते। पर आपने ज्योतिष साधना का है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी किताब लिखी हुई है, आपको मिलेगी नहीं शायद, पीडीएफ मिल जाए, गदावली, गदावली। और लेखक कौन है? चक्रधर जोशी। आज चक्रधर जोशी का वेदशाला कहां है आपको पता है पंत जी? नहीं है पता। इन्होंने बहुत किताबें लिखी हुई हैं, और जब आप श्रीनगर शायद बद्रीनाथ की तरफ जाए तो पहला संगम कौन आता है? प्रयाग, नहीं प्रयाग नहीं, सॉरी देवप्रयाग। चक्र, आप रावत जी जरूर जाना, बहुत पुरानी लाइब्रेरी, हस्तलिखित वेदशाला, आपको वास्तु से लेकर के सब चीजों का पता, चक्रधर। राजा जयपुर के स्वाई मान सिंह, उनकी वेदशाला, दिल्ली वाली वेदशाला खत्म हो गई है, जब हम ध्रुवे अक्षांश रेखांश उससे पैदा करते थे। तो ज्योतिष में सबसे बड़ा नुकसान पॉकेट बुक्स वालों ने किया है। सिर्फ एक व्यक्ति ज्योतिष में निकला है जिसने हम जैसे ज्योतिषियों को निखारा है, उनकी पॉकेट बुक्स कभी
आपको घाटा नहीं देगी या आपके ज्ञान को कमी नहीं देगी। अनुपम पॉकेट बुक्स की श्रीनाली जी की लिखी हुई किताबें किसी ने पढ़ी है? 8 किताबों का सेट है ना, वो बढ़िया सबसे बढ़िया। सिंपल भाषा में ज्योतिष का ज्ञान दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये वो राज विद्या है। बड़े बड़े राजा लोग ज्योतिषियों को अपने दरबार में रखते थे। कृषि शास्त्र, हम फसल कब उगाएं, कब बीजें, किस पक्ष में करें, हम लकड़ी काटें किस में ये करें। और जो बात रत्नों की आई, आप माणिक्य की बात करते हैं, रूबी के, रूबी कहाँ से पैदा हुआ? कभी रत्ना पढ़े? जेम्स, जो जेम्स की अभी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल सोनीपत से, कहाँ से थे? कुरुक्षेत्र से है ना। माणिक्य महिषासुर रक्त बीज से पैदा हुआ है। मूंगा रत्नों में नहीं आता, मूंगा समुद्र की देन है, प्रवाल। आयुर्वेद में प्रवाल को एक विशेष दर्जा की दिया गया है। जो स्त्री बाज हो, काकबंध्य जिसको कहते हैं, काकबंध्य जिनके बच्चे होते नहीं, कंसीव ही नहीं होंगे, आयुर्वेद में यहां जैस्मिन के पापा है, नाड़ी नाड़ी ज्योतिष में बड़ा उनका है, नाड़ी देख करके बात पित्त कफ की नाड़ी है, उनसे मैं पूछता हूं, अगर आप एक महीना जो काकबंध्या स्त्री है जिसे बच्चे ने उसकी नाभि में आप सफेद प्रवाल का घिस करके उसका लेप करें तो उससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अनिल वत्स ने मंत्रों को बोला, मंत्रों में भगवान होते श्री संतान गोपाल का 125,000 जाप करें तो बांझ से भी संतान हो। मेडिकल साइंस जहां खत्म हो जाता है कि नहीं बच्चे नहीं होंगे, ये जो मेडिकल साइंस आया है, हम आपको बता दें, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, पृथ्वी से चंद्रमा सबसे नजदीक है, शास्त्र में चंद्रमा मंस हो जाता, स्त्री ग्रह है, सुंदर ग्रह है, कल्पनाशील ग्रह है। शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल का तत्व कहा गया है, लेकिन मेडिकल साइंस क्या कहता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 70-75% जो तो जल है। चंद्रमा की स्थिति कब डावाडोल होती है आपको पता है? चंद्रमा फुल कब होता है? पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा को जो तिथि की बात कर रहे थे, और अमावस्या को चंद्रमा कृष्ण पक्ष में। जिस स्त्री का चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, ध्यान दीजिए, नीच का, उसका जब अमावस्या में आएगी या पूर्णिमा आएगी, उसका पेट खराब होगा, उसके हार्मोन डिसबैलेंस होंगे, उसको थायराइड का प्रॉब्लम होगा, और उसका महीने का सर्कल ठीक नहीं रहेगा, चंद्रमा की देन। जिस स्त्री का चंद्रमा नीच होगा, पुरुष का चंद्रमा नीच होगा, सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन में देखे है, पुलिस में देखा गया है, मेडिकल साइंस में देखा है, ऐसे देखे हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्या शुक्ल पक्ष के नजदीक चंद्रमा में या अमावस्या के चंद्रमा में। अगर वो चंद्रमा, जब आदमी आत्महत्या करने लग जाता है, बड़े बड़े लोग, अगर हम अपने मन को चंद्रमा का ध्यान करके एक मिनट के लिए बंद कर दें, तो हो सकता है आत्महत्या ना करें, विचार बदल जाए, क्योंकि चंद्रमा तो सबसे तेज गति का, सबसे नजदीक का।
जब ज्योतिष में ये बातें थी आने वाले भविष्य के बारे में पता किया जाता था। तो अभी मैं महाराज से बात कर रहा था कि आपने पराशर जी का नाम लिया, जैमिनी का भी लिया, आप गर्ग मुनि को देखो, भगवान कृष्ण के बारे में गर्ग संहिता है पूरी। लोमस ऋषि को देखो, लोमस संहिता आज भी विद्यमान है, ज्योतिष की देखिए आप। नार्द से बढ़कर के ज्योतिषी और कौन हो सकता है? वाल्मीकि रामायण में देखो, तुलसीदास के रामायण में देखो, ज्योतिष के बिना इस संसार का पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन आज हमारी दुर्दशा क्या हो रही है, ये लोग अपना पूरा जीवन चला दिया। धन्य हो, मैं तो बोलता हूँ, लोग मजाक करते हैं, मैं बोलता हूँ अपने बाल बच्चों को छोड़ करके आज अहमदाबाद, कल नागपुर, कोई फलाना कोई फलाना, क्या जरूरत पड़ी है भाई। हमें तो हम होटल में ठहरे, फाइव स्टार में होटल, हमें तो नींद नहीं आती, हमें तो अपनी कुटिया में नीचे जमीन में सोए वही आनंद आता है, और ये घूम रहे हैं किस लिए? हम लोगों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी भारत की ज्योतिष की विरासत के लिए, या कोई ये नहीं है। तो ज्योतिष अब हमें कहते हैं, मैं बात कर रहा था, पंत जी मेरे से बात कर रहे थे, या ये लड़की जैस्मीन एक बात कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। ज्योतिषियों को सबसे ज्यादा नुकसान कहां से आया है? राजनीतिज्ञों से। आप मेरी बात मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? राजनीतिज्ञों से आया है, और राजनीति वाले आदमी जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने ज्योतिष को प्रमोट नहीं किया। हर ज्योतिषी के पास, चाहे ओझा जी है चाहे रावत जी है, आते तो रावत जी आपके ऑफिस में कोई आदमी तो नहीं बैठा, कोई और पिछले रास्ते से आएंगे, पूछेंगे जरूर। प्रमोट करने को इनको, इनके नाक कटते हैं। यूपी के एक बहुत बड़े नेता जब आए हिमाचल में, तो धर्मशाला एयरपोर्ट से 20 गाड़ियां प्रोटेक्शन की लग गई हमारे ऑफिस में। जब वो पहुंच गए सारी जगह अपना आए करके, हाँ मंत्री जी जा रहे हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, तो भीड़ तो होनी थी, और मीडिया वाले पहले, तो मीडिया ने तो सवाल करने थे। बोले पंडित जी इनको कैसे पता लग गया कि हम आए हैं? हैं, हमारे तो सब जगह पता लग जाएगा, मैं तो आए क्यों? बोले तो हम आपको बुला लेते हैं। मैंने हमें बुलाना है, आना जाना, आप बाइयर हमें बुलाओ, ये यूज करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जब आपको जरूरत होगी ज्योतिषियों को नहीं पूछेंगे, ये यूज करते हैं। आप अपनी विद्या के प्रति सजग रहें, सावधान रहें। और एक बात और है, अंधक भक्ति यस्य जीवतिम यस्य नास्तिकेन जन्मपत्रिका, जिसकी जन्मपत्री नहीं है उसका जीवन अंधों के समान है। लेकिन जन्मपत्री जब आपके हाथ में आती है या आप हाथ देखते हैं, आपसे निवेदन है सबसे पहले आप एक चीज जरूर देखें कि ये जन्मपत्री सही भी है या नहीं है। हॉस्पिटल वालों ने जो टाइम दिया है वो सही भी नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कहां से सफलता मिलेगी? आपके लगन से। डॉक्टर अग्रवाल, लग्न नियम देहाचारों, लगन से और राशि से आदमी का देह विचार का पता लग जाता है। अगर आप लगन चंद्रिका और जातक चंद्रिका को पढ़ें, तो उसमें एकदम पता लग जाएगा कि ये बच्चा इस लगन में पैदा हुआ है। प्रसूति गृह में 5 स्त्रियां थी, जिनमें 3 सुहागन थी, 2 विधवा थी, और जिससे बच्चा हुआ है प्रसूता हुई, उसने क्या खाना खाया है, यह है हमारा भारतीय ज्योतिष। तो लग्न का पता लग जाता है। अब आज हम डेमो दे रहे हैं, कोई भी आदमी ले रहे हैं। आपने किसी का बोला था, आपने
चलो अभी उसको छोड़ो, अभी छोड़ो, उतना समय भी नहीं है। तो प्रसन्न लग्न ज्योतिष की एक बहुत बड़ी शाखा है। क्यों प्रसन्न ज्योतिष? राम जी ने भी एक बुक लिखी है, बीबा जी आज उसको पढ़ रही है, प्रसन्न को ज्योतिष की किताब जी की किताबें मैं पढ़ रही हूँ। सिंपल लिखी है, ठीक लिखी है भाई। जिनकी जन्मपत्रियां नहीं है तो क्या ज्योतिष खत्म हो गया? नहीं, उसके लिए प्रसन्न ज्योतिष है। केर लिया प्रसन्न चक्कर, प्रसन्न भूषण, प्रसन्न मार्ग और प्रसन्न चंडेश्वर, ये वो ग्रंथ है जो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अब नाम उड़ गया। हेलो भैया, पिछले वाले इधर आ जा, आ जा। नाम इधर आ जा। आप विद्वान हैं, क्या नाम बताया? भारतेंदु जी, इधर आइए। भारतेंदु ने बोला कि हमारा कोई प्रश्न नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ, इस तरफ। भारतेंदु ने बोला कि मेरा कोई प्रश्न नहीं गुरु जी, ना मैं आपको तंग करूं, मेरा एक प्रश्न है, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। मैंने बोला नाम क्या है? बोले भारतेंदु सांडिल्य, सांडिल्य। मैंने कागज में प्रश्न लग्न बनाया और एक चिन्ह बनाया, किस चीज का? साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक। नीचे मैंने लिखा किड्स, अभी भी होगा आपके पास या नहीं है? पद छोड़ो छोड़ो, ये प्रश्न है। इंटरव्यू हो रही थी, अश्विनी जी थे, कपिल जी थे। मैंने बोला भैया आज आप तिथि की बात की, मैं बारों की बात कर रहा हूं। सोमवार को आदमी पैदा होगा, रविवार को होगा, कैसा होगा, किस नक्षत्र में होगा, किस चरण में कैसा होगा। तो जैस्मिन के पापा वहां पर थे, मैंने बोला आज बार कौन है? बोले शनिवार है। अंक ज्योतिष से दोनों इकट्ठे खड़े थे, अंक ज्योतिष से शनि का कौन नंबर है? आठ। मैंने ऐसी मोटी बात की तो मैं भाई कृपाल सिंह को बोला उनके सामने कि कृपाल सिंह का वो खड़े हुए हैं, मैंने अगस्त का जन्म होना चाहिए और साथ में ये है आपका भी अगस्त का होना चाहिए। प्रश्न लग्न बोल रहा हूं, अस्त्रेखा नहीं बता रहा हूं, समझे? और आज का मूल अंक, मतलब जैसे मैंने बोला, मैंने आपका मूल अंक 6 होना चाहिए, तो उन्होंने अश्विनी जी ने एकदम मूल अंक 6 की डेट बता दिया। मैं 6 15 और हाँ, तो मैंने बोला इनमें से एक डेट है आपकी 24। उन्नीस सौ को छोड़ दो, हैं? आगे देखो भाई, इनका जो अंक जाता है जितने हैं, तो इसका 24 का नंबर कितना बना? 6, वो बना 8। अब बोला मैंने कि आपका जो साल का अंक होगा, 19 को नहीं जोड़ना, 20 को नहीं जोड़ना, उनको लो, उसका अंक 3 होगा, 84। और आपकी वाइफ जो है तो हो सकता है 17 जुलाई 88 की हो। ये कहां से आ गया वाइफ का डेट ऑफ बर्थ? इसका मतलब क्या है? शादियां तो भगवान ने ऊपरी जोड़ रखी है, यहां बने ना बने अलग बात है, हम कुंडली मिलान करके भी वही आपका प्रश्न है बच्चों के बारे में। प्रश्न लग्न बता रहा है पंचम स्थान से बच्चों के बारे में है, 3 साल से या 4 से बच्चे नहीं है। इन्होंने बोला हाँ यही प्रश्न है, बच्चे कब होंगे? मेरा छोड़ दो, देयर प्रेजेंट सम लिमिटेशन बिकॉज दीज आर 2 टाइप्स ऑफ कुंडलीज, हस्बैंड कुंडली कंसर्न्स है सीड कुंडली एंड वाइफ कुंडली कंसर्न्स है फील्ड कुंडली। बच्चा 1 से नहीं होता, बच्चा 2 से होता है,
पति की कुंडली भी देखो, पत्नी की कुंडली भी देखो, किस चीज के किस नाम पर लिखे हुए हैं, जातक के नाम से, जातक ग्रंथ बोलते हैं, जातक संग्रह बोलते हैं, ज्योतिष शब्द नहीं आता, चाहे जातक सार है, चाहे जातक संग्रह है, चाहे वृष जातक है, चाहे जातकाभरण है, चाहे जातकालंकार है, समझे मेरे बात, चाहे जातक देश मार्ग है, पुरानी पुरानी किताबें, और जनपत्री में विचार किसका किया जाता है, जातक का। जातक कौन है, जो सांस लेता है, पशु की कुंडली बन जाएगी, कुत्ता कब पैदा हुआ उसकी कुंडली बन जाएगी, वृक्ष कब रोपा उसकी गर्भ कुंडली बन जाएगी, इंसान की गर्भ कुंडली कब गर्भ में आया वो भी हो जाएगी, पति से पत्नी की कुंडली भी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन महिला की कुंडली हम देख हाथ देख रहे हैं, महिला की किसी महिला की डेट ऑफ बर्थ निकाल दी हमने, और उससे उसके पति की डेट ऑफ बर्थ निकालने लगी तो कुछ और आ गई। अगर वहां पर पति बैठा है तो पंडित जी की बारी, तो पंडितों को कुछ भविष्यवाणी करने से जिसे किसी का अनहित ना हो भी बचना चाहिए, सीधा ना बोना मर जाएगा। पर वो कौन बोल रहे थे कि औरत क्या है, औरत जो औरों पर रत रहे उसको औरत कहेंगे, आप सोचिए, तो उसी को छोड़ो। पर जैसे इनकी कुंडली है, इनकी पत्नी की कुंडली से पता लग जाएगा कि बच्चा कब होगा, पहली चीज होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या उपाय होंगे, क्या ज्योतिष भी बताता है, रावत जी क्या आप अपने वैद्य को बदले या ना बदले, क्या आपने आप अपने डॉक्टर को बदले या ना बदले, ये भी पता लगता है। तो आप चिंता मत करिए, आपको हम देखेंगे, सब ठीक होंगे। ये है प्रश्न ज्योतिष। तो जिनको ज्योतिष का पूरा ये ना हो वो प्रश्न ज्योतिष से भी सारा ले सकते हैं। अब लास्ट बात, जिसका कोई काम ना बने, ज्योतिष शास्त्र उपायों का शास्त्र भी है, धर्मेण नियंति व्याधि, धर्मेण नियंति ग्राहा, धर्मेण नियंति शत्रु, यह तो धर्म धर्म के काम से आती है। आशीर्वाद मिल गया संत का, वो काम होगा ही होगा, चाहे वो कैसे भी हो। तो आप सब लोग विद्वान आए हैं, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ है, और मैं तो हर जगह बोलता हूँ, हमने तो फौज में भी ज्योतिष सिखा दिया, फौजी में, और आज भारतीय सेना बगैर मुहूर्त के कहीं प्रस्थान नहीं करती, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, है ना। तो हमारी इतनी विद्या है। अब एक बात और है जो मेरे से प्रश्न करते हैं, भाई ये विद्या जो है क्या पंडितों की है या ब्राह्मणों की है, ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान भी है, तो विज्ञान को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी, लेकिन हो सकता है कि ब्राह्मणों के अंदर जैसा कोई मदारी है ना, उसके बच्चे उनमें जीन भर जाते हैं, कोई संगीत वाला सेनाई वाला वो परिवार में चला जाता है, एक ज्योतिषी है उसका बच्चा भी अच्छा ज्योतिषी बन जाता है, एक कलाकार है फिल्म इंडस्ट्री को आप सारे भवानी जी महाराज सबके सब एक्ट्रेसों के साथ छाए होते हैं, तो इनको पता है ना कि भाई इनका बच्चा आगे आर्मी में इसमें फिल्मों में जाएगा नहीं जाएगा, और बाबा बख्शी सिंह इनको भी पूरा पता हो गया, अभी ये सरदार जी बोल ज्योतिषी है, नाम है पंजाब में बाबा बख्शी सिंह है, और मैं तो इनको एस्ट्रो बाबा के नाम से जानता हूं। तो आप सब लोग मेहनत करें,
मैं ये नहीं बोलता, ये बाकी लोग बोलते हैं, मैं उससे पक्ष नहीं। कई बोलते हैं ज्योतिषी कौन, वो बोले मैं 2 साल फ्री काम किया। आपने 2 साल फ्री काम किया, मैंने 2.5 साल फ्री काम किया ज्योतिष। और आज मैं सीधा बोलता हूँ किस लिए, कि मेरे सेहत खराब ना हो। मेरी फीस 15,000 रुपये है, आपकी जन्मपत्री एस्ट्रोपामिस्ट्री और नंबरोलॉजी से बना करके दूंगा। अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप पैसे वापस ले जाओ। तो एक डॉक्टर पैसे लेता है, एक वैद्य पैसे लेता है, एक वकील पैसे लेता है, एक अर्जमिस पैसे लेता है, एक कंडक्टर पैसा लेता है। आप पैसा लो, उचित लो, जितना आप काम करेंगे। अंत में जैस्मिन जी, आपकी पूरी फैमिली और ये पूरे हमारे ज्योतिष वर्ग महात्मा लोग, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, जो सब आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैस्मिन ने एक नई क्रांति चंडीगढ़ में लाई। चंडीगढ़ में मैंने 4-5 ज्योतिष मेलन अटेंड किए हैं। इनकी पंजाबियों दी क्या बोलते उसको, खातरदारी, पंजाबियों दी शान बकरी, पंजाबियों दी खातरदारी बकरी। बहुत बढ़िया खाना। जय हिंद, जय माता दी।